मतलब 20 अप्रैल यानी कि कल से लॉकडाउन में कुछ छूट शर्तों के साथ दी जाने वाली है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कल से किसानों को भी राहत मिलने वाली है और साथ ही जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुलेंगी और किस किस सेक्टर में क्या क्या काम होगा, क्या बदलाव होने वाला है अब जब ये थोड़ी रियायत मिलेगी। देखिए लॉकडाउन 2.0 में क्या खुलेगा और क्या बंद होगा, ये सवाल जहन में घूम रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 में किस में रियायत बरती है और कहां पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है जो 3 अप्रैल तक लागू रहेगा, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति भी खराब ना हो और लोगों को भी उनकी जरूरत का सामान मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन 2 के लिए खास गाइडलाइन जारी की है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि क्या खुलेगा। जरूरत के सामान की दुकानें खुलेंगी जिसमें दूध सब्जी फल की दुकानें भी शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा सभी तरह का कामकाज होगा। मेडिकल क्षेत्रों से जुड़े सभी लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल सर्विसेज और आईटी सेक्टर की सेवाएं लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ जारी रहेंगी। जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुली रहेंगी। सरकारी सुविधा से जुड़े कॉल सेंटर खुलेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों का कामकाज और कोरियर सर्विस भी जारी रहेगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस स्टोरेज शुरू रह सकेंगे। बैंक एटीएम की सुविधाएं भी शुरू रहेंगी। किसानों मजदूरों द्वारा खेत में कामकाज जारी रहेगा। खेत से जुड़े काम, बीज की दुकानें, प्रोडक्शन और सप्लाई जारी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या नहीं खुलेगा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पूरी तरह से बंद रहेंगे। पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह से बंद रहेंगी। बस सर्विस और मेट्रो बंद रहेगी। दूसरे राज्यों में आना जाना बंद होगा। सिर्फ मेडिकल मामलों में विशेष छूट दी गई है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन सेल्स और एक्सपोर्ट जारी रहेगा। होटल से जुड़ी सभी सर्विसेज बंद रहेंगी। टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा पर रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर बंद रहेंगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, किसी भी तरह के कार्यक्रम को मंजूरी नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक होगी। साथ ही इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा और बेवजह घर से जाने पर भी पाबंदी होगी। लेकिन सरकार का ये फैसला कितना कारगर होगा, ये कोरोना के नए मामलों पर निर्भर करेगा।